आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर आप बिहार के हैं तो आप EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो किस तरह आप ऑनलाइन बना पाएंगे। तो EWS सर्टिफिकेट क्या होता है हम आपको बता देते हैं। अगर आप सामान श्रेणी से आते हैं, आपकी जाति जो सामान है, तो आप EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। वहाँ बनाने के बाद आप कहीं भी कोई भी चीज़ में 10% आरक्षण का हकदार हो जाएंगे। जब ये सर्टिफिकेट बन जाएगा तो आपका 10% का हकदार, कोई भी चीज़ में 10% का आपका हकदार बन जाएंगे आप। किस तरह आप 10% का लाभ ले सकते हैं EWS सर्टिफिकेट बना के बिहार में, वो भी ऑनलाइन करके, तो आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाले। इसलिए वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पहली बार आए तो लाल बटन को दबा कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं। मैंने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जैसे आप वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे देख लीजिए। इस पे आने के बाद सबसे पहले आपको करना कुछ रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करके आपको एक अकाउंट बनाना होगा। एक अकाउंट बना लीजिए, यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड इंटर करके और स्टेट सेलेक्ट करके यहाँ कैप्चर देंगे। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना लेंगे। तो अगर आप यहाँ इस पोर्टल में किसी भी वर्क के लिए, किसी भी काम के लिए अगर पहले आप अकाउंट बनाए हैं, चाहे आवासीय जाति आए या कोई भी चीज़ ऑनलाइन करने के लिए, इस पोर्टल पर अगर आप पहले कभी अकाउंट बनाए हैं तो वही उसी आईडी से आपको लॉगिन कर लेना है, या भी आप बना सकते हैं रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करके। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक कर दें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, उसी के साथ साथ आपको पासवर्ड देना होगा, जो पासवर्ड आपने बनाते वक्त रखा था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। तो चलिए वो पासवर्ड इंटर करने के बाद कैप्चर जो है कैप्चर इंटर करके लॉगिन कर लेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे। ये देखिए मैं होम पेज पे आ चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल सर्विस पे क्लिक करेंगे। जैसे व्यू ऑल सर्विस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमको ढूंढ लेना है EWS सर्विस, या आपको 3 या 4 नंबर में मिल जाएगा। 3 या 4 नंबर यहाँ देखिए 3 नंबर में, 29 नंबर में दिया गया है। तो EWS सर्टिफिकेट @CO लेवल, अगर CO से बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो देख के बना लेंगे। अगर DM से बनाना चाहते हैं तो वो अलग बना दूंगा। मैं HDO से बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे उसके बारे में अलग में बना दूंगा। तो CO लेवल के बारे में आप बता देंगे। तो यहाँ से आप अपन सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो उस सर्विस को। चलिए यहाँ 29 नंबर में दिया गया है EWS इकोनॉमिकल वर्कर सेक्शन सर्टिफिकेट @CO लेवल। तो सबसे पहले आपको CO से बनाना होगा। अगर आप DM या HDO किसी से बनाएंगे तो सबसे पहले आपको CO से बनाना होगा, इसलिए इस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप किसी से बनाते हैं तो, अगर आप DM वगैरह से बनाते हैं तो उसकी ऑल इंडिया परमिट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये रजिस्टर फॉर्म खुल चुका है और यहाँ प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र आप किस भाषा में लेना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल या फिर मेल। उसके बाद यहाँ अभिवादन, यहाँ पे आपको सीरी अगर अपने नाम के साथ लगाना चाहते तो सेलेक्ट कर सकते, कोई चीज़ नहीं लगाना है, कोई अभिवादन नहीं, उसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम दे देना, जो भी आपका नाम होगा वह नाम आपको यहाँ पे दे देना होगा। जैसे आप यहाँ पे नाम देंगे तो ऑटोमेटिक इधर कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी में। अगर आपका कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हूँ, उस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद जो भी चीज़ आप व्हाट्सएप पे लिखते हैं उसी तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे आप लिखेंगे इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में, वो हिंदी में कन्वर्ट होते जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सिर्फ इसी तरह। तो इसको कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे लाके आपको पेस्ट कर देना है जो भी चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर देना है। दोस्तों याद रखिए ये लाल बॉक्स जिस बॉक्स में लगा हुआ ये लाल वाला, उस बॉक्स को भरना अनिवार्य है। अगर आप नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म नहीं सबमिट हो पाएगा। तो लाल वाले जितने बॉक्स उसको आप फिलअप कर, उसके बाद यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट कीजिए, किस राज्य में आपका डिस्ट्रिक्ट, अनुमंडल, और उसके बाद आपका प्रखंड क्या वो सेलेक्ट करना है, अपने पंचायत को सेलेक्ट करना है, उसके वार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ विलेज, पोस्ट ऑफिस, थाना, पिन कोड, और यहाँ पे आप हाउस नंबर, होल्डिंग नंबर दे भी सकते हैं, नहीं भी सर्किल नंबर नहीं भी दे सकते, जरूरी नहीं है सब। उसके बाद यहाँ पे कास्ट पे देखिए, यहाँ पे ये सब जाति जो है ये सब इसमें आते हैं, EWS सर्टिफिकेट बनाने के योग है। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, सैयद, शेख, पठान, ये जो कार्यरत
ये सब आप बना सकते हो। तो चलिए मैं चेक पे क्लिक कर लेता हूँ। चेक पे क्लिक कर लिया मैंने, अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपने पिता का नाम हिंदी इंग्लिश में देना है, इंग्लिश हिंदी में किस तरह लिखते हैं मैं बता दिया। उसके बाद मदर का नाम, उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का नाम दे भी सकते, नहीं भी अगर अगर गर्ल का बना रहे तो यहाँ पे दे सकते, नहीं तो जरूरी नहीं है। यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर और आवेदक का ईमेल एड्रेस ये भी दे सकते, नहीं तो जरूरी नहीं है। और यहाँ पे एक फोटो अपलोड करना होगा, उस चीज फाइल पे क्लिक करना होगा और यहाँ एक फोटो आपको अपलोड कर लेना होगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ अगर फोटो आप अपलोड करेंगे तो इसकी केबी जो होगी 20 KB होगी। तो कम से कम आप 20 KB तक किसी भी फोटो को आप अपलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा इसी वीडियो में किस तरह के भी कर्म कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ परिवार का कुल आय, परिवार कुल आय कितने हैं तो ये आप यहाँ पे इंटर कर लीजिए। जितना भी आपका है वो आप यहाँ से इंटर कर लीजिएगा। याद रखिए 8 लाख से कम होना चाहिए परिवार का सालाना इनकम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि अपना मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साझा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस लगा देंगे। उसके बाद आप घोषणा पत्र आ जाएगा, यहाँ पे क्या क्या जरूरी है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है 5 एकड़ कृषि अथवा उससे ऊपर 1000 वर्ग मीटर उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय प्लॉट, यानी कि बता रहा है ज्यादा जमीन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और गरीब परिवार से होना चाहिए, ठीक है, और उसकी इनकम जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए। ये सब यहाँ पे दिया है, यहाँ पढ़ लीजिए किसके लिए है, ठीक है। और उसको तो यहाँ पे आना एग्री, आई एग्री पे सेलेक्ट कर देना, आई एग्री सेलेक्ट कर देना। तो उसके बाद यहाँ पे कैप्चर दे देना है, जो भी कैप्चर आपको दिखेगा सभी कैप्चर अलग अलग रहता है, ये बात याद रखिएगा। उसके कैप्चर देने के बाद आपको सबमिट करना है, तो चलिए सबमिट करते। सबमिट करने के बाद बोल रहा है आपका नाम, अपना नाम जांच लीजिए, अपना मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस जांच लीजिए। तो मेरा यह सारा चीज़ सही है तो हम यस ओके कर देंगे। ओके पे यहाँ पे क्लिक किए मैंने, यहाँ पे ओके क्लिक किया, हमारा पूरा यहाँ डिटेल हमारे द्वारा बढ़ा गया, पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ पे अटैच पे यहाँ पे देख सकते हैं अटैच पे क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप में क्या अपलोड कर सकते हैं आप, जो भी चीज़ आपके पास वो अपलोड कर दीजिए। मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आधार डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आधार कार्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए इशू बाय, इशू बाय में आप ये आधार कार्ड कौन बनाता है, ये UIDAI बनाता है, आप इसमें दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, क्योंकि ये भरना अनिवार्य है। क्योंकि मैं जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस भी बॉक्स में स्टार लगा रहे लाल कलर का ये वाला, उस बॉक्स को आपको भरना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसमें इशू बाय में, इशू डेट में कोई नहीं है, रेफरेंस में भी कोई स्टार नहीं लगा हुआ, तो इसको हम खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर भरना चाहते हैं तो आप भर भी सकते हैं। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए मैंने आधार कार्ड अपलोड कर दिया, तो चलिए मैं इशू बाय में भी लिख देता हूँ ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। और इशू डेट यहाँ पे रेफरेंस में आधार नंबर दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे आपके द्वारा बढ़ा गया पूरा डिटेल फिर से आ जाएगा। इसको आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे दिए सत्यापन दिया गया, इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ लेने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है सबमिट बटन पे, यहाँ देखिए सबमिट बटन पे सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे रिसिप्ट हमारा हमें मिल चुका है, ये रिसिप्ट है, ठीक है। इस रिसिप्ट के नीचे आएंगे, यहाँ पे दिया गया है आवेदक का फोटो सो प्रमाणित करने हेतु तो अंचल अधिकारी कार्यालय में वैध प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। यहाँ भी कह रहा है जब आप लेने जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक फोटो प्रमाणित वाला फोटो वाला एक प्रूफ लेके जाना होगा, ठीक है, प्रूफ लेके जाना। उसके साथ ये प्रिंट कर लेंगे ये फॉर्म, ये जो रिसिप्ट है इस रिसिप्ट को और आपका डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट फोटो वो लेकर आपको किस तारीख को जाना। यहाँ पे देखिए सेवा प्रदाता प्रदान करने की तिथि, यहाँ पे तिथि रहेगी आपको दिया रहेगा, तो उस तारीख को आपको अपने ब्लॉक में जाके ये ले लेना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, नहीं तो एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक करेंगे तो ये PDF में आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे मेरा डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों इसी तरह आप बना सकते हैं
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सीओ से अंचल अधिकारी से। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह आप एसडीओ से बना सकते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा डीएमसी किस तरह बना सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कैसे करना होगा, वो भी हमको बताएंगे दूसरे वीडियो में। इसलिए आप पहले ये बना लीजिए, क्योंकि ये जब बनेगा आपका सीओ लेवल पर, तभी आपको एसडीओ लेवल या डीएम लेवल का कोई भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन पाएगा। तो दोस्तों वीडियो आज के लिए यहीं तक, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।